Hi everybody, welcome to my channel that is e-learning with Anu. So today date is 28 मई 2020. So I hope आप लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे होंगे. So मैंने कल आप लोगों के लिए एक और एडिशनल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की थी, जिसमें मैंने लास्ट 3 मंथ के करंट इंटरनेशनल करंट अफेयर जो न्यूज़ थी वो आप लोगों को प्रोवाइड की थी. जो जिन्होंने नहीं देखे वो प्लीज़ जाके ज़रूर देखें, वीडियोज़ को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उस वीडियो में प्रोवाइड की जाती है. और साथ साथ क्वेश्चन के साथ मैं कई क्वेश्चन ऐसे बताती हूँ जिसमें एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. सो वीडियो तक एंड तक बने रहे, देखते रहिए, और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और वीडियोस सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्कूल की क्लास से रिलेटेड आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. बहुत ही जल्द वो आप लोगों के सामने होगी वीडियो. तो तब तक के लिए आप लोग मेरी ये वीडियो देखिए. सो प्लीज़ ज़्यादा लोगों को भी रिकमेंड करें कि वो भी मेरी वीडियोज़ को देखें, मेरे चैनल के साथ जुड़े. और जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप लोगों के पास डेली की अपडेट आती रहे. सो मेरे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों के लिए हर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर प्रमोट करें. सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. पेपर पेन लेके ज़रूर बैठें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आप लोगों का स्कोर क्या है. सो स्टार्ट करते हैं. सो थॉट देख लेते हैं क्या है. इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ परमानेंट चेंज, स्टॉप फोकसिंग ऑन द साइज ऑफ योर प्रॉब्लम एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द साइज ऑफ यू. मीन्स अगर आप चाहते हैं कि कोई एक परमानेंट चेंज हो जाए तो अपनी प्रॉब्लम के साइज को ना देखें, बल्कि फोकस करें कि आप क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं. सो आई होप आप लोगों को ये मोटिवेशनल थॉट भी पसंद आते होंगे. आप देख सकते हैं वीडियो को कितने अच्छे डेकोरेटिव वे से आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया गया है. अगर किसी को अपने चैनल के लिए पर्सनली वीडियोस बनवानी हो तो वो लोग भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं किसी के पर्सनल चैनल के लिए भी वीडियोस बना सकती हूँ. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइबर थ्रेट बैंकिंग ट्रोजन. सो साइबर थ्रेट बैंकिंग ट्रोजन से रिलेटेड आप लोगों को 3 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है. सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज़ अ मेलिशियस प्रोग्राम यूज टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर ऑनलाइन बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम. सेकेंड, इट डिप्लॉयज इट्स एप्लीकेशन यूजली स्प्रेड वे पुलिशिंग कैंपेन टू ट्रिक यूजर्स इन टू इंस्टॉलिंग इट ऑन देयर स्मार्टफोन. थर्ड, इट कैन ऑल्सो यूज ओवरले अटैक टू कैप्चर 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिटेल ऑफ द विक्टम. सो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. ऑप्शन देख लेते हैं. ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 ओनली, डी 1, 2, 3. सो ये 10 seconds स्टार्ट नाउ. वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ है. सो प्लीज़ हर एक क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो के क्वेश्चंस प्रेजेंटेशन कैसी लगी. सो मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. और मेरा एक फेसबुक पेज है अन्नू अग्रवाल एजुकेटर के नाम से. सो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है वो लोग मुझे फेसबुक चैनल पे भी मेरा पेज जो है उस पर मुझे ज्वाइन ज़रूर करें, ताकि आप लोगों के पास डेली फैक्ट्स आते रहे. मैं फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग डालती हूँ, आप लोगों को एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए. सो देख लेते हैं आंसर क्या है. आंसर डी, यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. जो साइबर थ्रेट बैंकिंग ट्रोजन है, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये साइबर थ्रेट जो होते हैं, साइबर जो भी क्राइम वगैरह होते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, उस चीज़ से रिलेटेड ये तीनों स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है. सो बैंकिंग ट्रोजन इज अ मेलिशियस सॉफ्टवेयर. सो ये बैंकिंग ट्रोजन जो एक सॉफ्टवेयर है विच इज़ यूज टू स्टील द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑफ द विक्टिम. सो ये इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालने के लिए होते हैं, जैसे जो विक्टिम बन जाते हैं, जो मतलब इनके लोगों के झांसे में आ जाते हैं, साइबर क्राइम जिनके साथ होता है. सो उनको इन्फॉर्मेशन, उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, ताकि उनका उनको ट्रीट कर सके, उनका मतलब कोई सोल्यूशन निकाल सके. सो ये एक सॉफ्टवेयर बनाया गया. इट इज़ Generally used phishing campaign as an email or text messages carrying link that appears to come from trusted source like a bank. So ये कैसे campaign वगैरह provide करेंगे जिसमें mail और text message जो है वो link provide करेंगे, जिससे जो भी trusted bank के through होगा. The trojan can also use overlay attack to trick victim into providing personal information and can capture 2-factor authentication details. So इससे क्या होगा कि भाई trojan जो है वो विक्टिम का जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह भी कैप्चर कर सकता है.
सो मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन विद रेफरेंस टू गोल्डन ट्राइंगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो गोल्डन ट्राइंगल से रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है. सो यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट रिप्रेजेंट द रीजन ऑफ ईरान अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. सो जो गोल्डन ट्राइंगल है वो कौन कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करता है वो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है. सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज एन ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन एंड द नार्कोटिक सप्लाई रूट टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. सो करेक्ट स्टेटमेंट पता नहीं है. ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, या फिर डी नाइदर वन नॉट टू. आप देख सकते हैं कितना डेकोरेटिव वे में आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर किया गया है. जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको मैं हमेशा हाईलाइट जरूर करती हूँ. सो देख लेते हैं आंसर क्या है. आंसर बी करेक्ट है, यानी कि जो ए स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कौन कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करता है. म्यांमार, लॉस एंड थाईलैंड. सो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो है वो गोल्डन क्रेसेंट है, ना कि गोल्डन ट्राइंगल है. सो जो गोल्डन ट्राइंगल में आते हैं वो तीन कंट्रीज हैं, म्यांमार, लॉस एंड थाईलैंड. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम लाइक यूपीएससी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक बहुत अपनाई जाती है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं. सो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करते हैं. सो इट इज़ अ साउथ ईस्ट एशिया मेन ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट नार्कोटिक सप्लाई रूट टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. सो यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका का ओल्ड रूट है. सो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो है वो गोल्डन क्रेसेंट है. सो हमारा जो गोल्डन ट्रायंगल पूछा था, तो गोल्डन ट्रायंगल में हमारे म्यांमार, लॉस एंड थाईलैंड आता है. सो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी. So answer will be B. So move on to third question. Consider the following statement. In this question, three statements are provided and you have to tell the correct statement for this question. So first statement is the tiger reserve are constituted on a core buffer strategy as stated in a Wildlife Protection Act 1972. Second, the core areas have the legal status of a national park or sanctuary. Third, the project Tiger aims to foster an inclusive tiger agenda in core areas of tiger reserve with an inclusive people-oriented agenda in the buffer. So, आपको ये तीन स्टेटमेंट से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन इज वन एंड टू ओनली, बी टू एंड थ्री ओनली, सी वन एंड थ्री ओनली, या फिर डी वन टू एंड थ्री. सो ये 10 seconds starts now. Question is very important. सो देख लेते हैं आंसर क्या है. आंसर इज डी, यानी कि योर ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अ टाइगर रिजर्व मस्ट हैव अ कोर और क्रिटिकल हैबिटेट एंड अ बफर जोन पेरिफेरल टू इट. सो अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, टाइगर रिजर्व जो है उनका कोर एरिया होना चाहिए. द कोर एरिया एस्टेब्लिश्ड इन अ नेशनल पार्क और सेंचुरी. जो कोर एरिया होता है वो नेशनल पार्क और सेंचुरी में पाया जाता है. द प्रोजेक्ट टाइगर एम्स टू फोस्टर एन एक्सक्लूसिव टाइगर एजेंडा इन द कोर एरियाज ऑफ टाइगर रिजर्व विद एन इंक्लूसिव पीपल ओरिएंटेड एजेंडा इन द बफर. सो इसमें ये बताया कोर एरिया में क्या होता है कि जो बाकी के लोग हैं, जो पीपल हैं, वो लोग उस एरिया में हैं, आप एंटर नहीं कर सकते. ठीक है, सो कोर एरिया वो होता है. सो द बफर एरिया इज एम्ड एट प्रमोटिंग कोएग्जिस्टेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन एक्टिविटी. तो बफर एरिया होता है कि जहाँ पे वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी भी होती है और ह्यूमन एक्टिविटी भी होती है. So move on to fifth question. Exchange rate is the price of one currency in terms of another currency. The exchange rate depends on. So exchange rate जो है वो किन किन चीज़ों पर depend रहता है. This question is very very important. So ऐसे questions बहुत आते हैं, हर competitive exam में ऐसा question ज़रूर आता है. So देख लेते हैं options statements क्या क्या है. First is inflation. Second, interest rate in the country and global major like USA. थर्ड इंटरनेशनल कॉमोडिटी प्राइस, फोर्थ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फिफ्थ फॉरेक्स रिजर्व विद RBI. सो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. ए वन टू थ्री फोर, बी वन थ्री फोर फाइव, सी वन फोर फाइव, या फिर डी वन टू थ्री फोर फाइव, यानी कि ऑल स्टेटमेंट. ऐसे क्वेश्चंस जरूर करें मेरे साथ. वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चंस करें और फिर आंसर्स देखें कि आप लोगों के कितने करेक्ट आते हैं आंसर. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर डी, यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो आपकी सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि एक्सचेंज रेट जो है वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड होता है. सो एक और क्वेश्चन डाला है मैंने आपके लिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टॉयफिकेशन टेक्नोलॉजी. सो टॉयफिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है. सो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टॉयफिकेशन इज अ स्वेडिश टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट्स राइस स्टबल इनटू बायोमैन्योर. सेकंड इज द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स हीटिंग अप स्ट्रॉ, ग्रास, सो
मील रेसिड्यू एंड वुड बायोमास अंडर वेरी हाई टेम्परेचर. सो ऑप्शंस देख लेते हैं, ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, या फिर डी नाइदर वन नॉट टू. कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज बताएं कि आप लोगों का स्कोर डेली का क्या बन रहा है, और भी लोगों को रिकमेंड करें कि वो भी मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़ें. सो देख लेते हैं आंसर क्या है. आंसर बी, यानी कि हमारा सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. पॉल्यूशन फ्रॉम स्टबल बर्निंग इन विंटर इज द की कॉन्ट्रीब्यूटर टू द शार्प डिक्लाइन इन एयर क्वालिटी इन दिल्ली. जैसे कि हम जानते ही हैं कि स्टबल बर्निंग होती है जिसकी वजह से जो एयर क्वालिटी होती है दिल्ली की वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है. बट स्टबल बर्निंग कंटिन्यूज अनबेटेड. टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस इशू इंडिया इज टेस्टिंग अ स्वेडिश टेक्नोलॉजी टॉरिफिकेशन दैट कन्वर्ट राइस स्टबल इनटू अ बायोकोल. सो ये एक स्वेडिश टेक्नोलॉजी है टॉरिफिकेशन, जिसमें टॉरिफिकेशन जो कन्वर्ट हो जाता है राइस स्टबल जो है वो बायोकोल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता है. सो दैट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स हीटिंग अप स्ट्रॉ, ग्रास, सो मील रेसिड्यू एंड बायोमास टू 250 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस. सो इतने टेम्परेचर में ये चेंज हो जाता है. दिस चेंज द एलिमेंट ऑफ बायोमास इनटू कोल लाइक पैलेट्स. सो ये बायोमास जो है वो कोल लाइक पैलेट में चेंज हो जाता है. दिस पैलेट्स कैन बी यूज्ड फॉर कंबर्शन अलॉन्ग विद द कोल फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लाइक स्टील और सीमेंट प्रोडक्शन. सो यही चीज जो है वो हमारी स्टील और सीमेंट प्रोडक्शन में यूज होती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो. प्लीज गाइज सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करें कि वो लोग भी मेरे चैनल को जरूर देखें, वीडियोज को देखें, एंड तक जरूर देखें, ताकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले. और वेट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके बहुत जल्द आने वाली, प्रिपेयर की जा रही हूँ, क्योंकि प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. सो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के पास डेली अपडेट आती रहे. मेरे चैनल को लाइक कीजिए, प्यार दीजिए अपना, ताकि मेरा चैनल और अच्छे से ग्रोथ हो सके उसकी. सो प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना वायरस से खुद को भी बचाएं और औरों को भी बचाएं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.